ईटी न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम ईटी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव में खुजराहो से कांग्रेस के उम्मीदवार कविता सिंह की उम्मीदवारी क्या दावेदारी विजय दिला सकेगी कांग्रेस को। आज कविता सिंह के चुनाव कार्यालय नदी पर विजय दादू पटेल के निवास पर पत्रकार वार्ता कर कटनी जिले के पत्रकारों से रूबरू हुई, जिसमें उन्होंने अपनी बात कही और खुजराहो से कटनी के बीच के समय पर स्पष्ट कहा कि कहीं कोई भेदभाव नहीं होगा और हर समय एक शिकायतों का निराकरण और कटनी जिले के विकास में हर संभव प्रयास करती रहूंगी। कविता सिंह ने अपने जनसंपर्क के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ बाकी है, विकास हुआ ही नहीं है, जिसे वो एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर सके। इस क्षेत्र के साथ हुए भेदभाव और वर्तमान प्रतिनिधि के द्वारा कोई कार्य न कराए जाए, से रुके हुए कार्य और विकास के महत्व दूंगी। कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने बोध को स्पष्ट किया है कि वो किसी अन्य मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय मात्र विकास के कार्य करना। कटनी जिले अछूता रहा है पिछले 20 सालों में से, जो कटनी के आज भी उसी तरह देख रेख रही है, जबकि अन्य शहरों जिलों के विकास की तुलना में कटनी के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। कविता सिंह ने इस बात का भी जिक्र किया कि वो अपने शिक्षा दीक्षा काल में इस एक वर्ष कटनी में भी पढ़ाई कर चुकी है, जो उनका इस शहर में पुराना नाता है, उस रिश्ते को निभाने का समय आ गया है। सदैव खुजराहो और कटनी जिले को सम्मान विकास कार्य करवाना चाहेगा। क्षेत्र में विकास पर ग्रामीणों का बदहाल दशा है, किसान परेशान है, उनकी समस्याओं का निदान करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। जिले से सभी पार्टियों को नेताओं के साथ लेकर जनसंपर्क करने आजमाने से आमजनों से भेंट कार्यक्रम सुचारू जारी है। परेशान हो रहे थे और उनका एक विश्वास था। कई लोगों ने कहा मुझसे, भाई ये लहर वो रहे, भाजपा की लहर, लहर नहीं, लहर है आज आक्रोश की, लहर है आज आक्रोश की भाजपा सरकार के प्रति, क्योंकि भाजपा सरकार ने जो वादे किए थे कि हम काला धन लाएंगे, 15 लाख देंगे, 15 लाख तो नहीं मिले उनको, लेकिन जनधन जो जब उन्होंने खाता जो खुलवाए उसमें उन गरीब किसानों को, उन गरीब लोगों को अपने घर का पैसा देना पड़ा। सोचिए उन किसानों की हालत, आप देखिए उनके घरों में जाकर देखिए आप, ना पीने के साधन है, ना खेती के लिए किसानी है, बच्चे बूढ़े माँ बाप को छोड़कर बाहर पड़ा। तो ये कैसी सरकार, जो इन्होंने कहा था 2 करोड़, मैंने हर जगह जा जाकर, आप चाहे तो मेरे वीडियो देख सकते हैं, मैंने जा जाकर हर गांव में कहा है, पंचायतों में कहा है कि भाई कोई एक तो उठा दो हाथ जिसे रोजगार मिला, और मैं गारंटी के साथ अभी कहती हूँ मुझे एक हाथ उठा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि भाजपा सरकार में मुझे रोजगार मिला। सभी के हाथ ऐसे हुए कि मुझे कोई रोजगार नहीं मिला। तो मेरा मुद्दा है विकास, ना ही मैं राम मंदिर मुद्दा बनाऊंगी, ना ही मैं केंद्र की भाजपा सरकार को मुद्दा बनाऊंगी, मेरा मुद्दा है जनप्रतिनिधि। आप डायरेक्ट बात करिए, लोग चुनते हैं अपने जनप्रतिनिधियों को ताकि उसकी आवाज दिल्ली तक पहुंच सके, लेकिन यहां तो बात की जाती है कि आप भाजपा सरकार को चुनिए, मोदी को चुनिए। भाई मोदी को तो बाद में चुनेंगे, पहले तो हमें हमारा प्रतिनिधि चाहिए। तो क्या आम जनता मोदी जी से अपनी समस्या कहने जाएगी? मेरा सवाल ये है कि लोग कहते हैं आप यहाँ पर भाजपा सरकार आज कह रही है मोदी को चुनिए, मोदी को चुनिए, मोदी को चुनिए, तो मेरा उनसे कहना है कि यदि मोदी को चुनिए तो मोदी जी आम लोगों से आकर मिले, या तो मोदी जी ये करें कि आकर आम लोगों से मिले, आम लोगों की समस्या चुने, तब तो वो मोदी जी को चुने, और यदि मोदी जी को नहीं वो आकर नहीं मिलना है तो कम से कम उनको क्षेत्रीय प्रत्याशी दे, ताकि जन जो जन है, जो जनता है, वो अपनी बात रख सके। आज ये क्षेत्र क्यों पिछड़ा हुआ है? क्योंकि यहाँ के लोगों ने कभी जनता की नहीं सुनी, जीत कर गए, दोबारा लौट कर नहीं आए, और जीत कर क्या गए? प्राइम ईटी न्यूज के लिए कटनी से जाहिद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट।